वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है। सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस तरह से शूट किया गया है, जो टिकटॉक पर फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको सबसे पहले रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो आपको यहाँ से 8 सेकंड के आसपास है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। जो आपने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखे है, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो शूट किया था, टिकटॉक के साउंड पर ही वीडियो को शूट किया हूँ। तो आपको भी टिकटॉक के साउंड से ही वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पर प्रेस करके रखेंगे, इसे लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद जो लास्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है, ट्रिम टू राइट कर देते हैं। वीडियो पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया। तो देख सकते हैं आप, रॉन्ग साइड वीडियो शूट किया गया। इसे आपको सबसे पहले रोटेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा रोटेट हो चुका है। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। क्रोमा की को सिर्फ आपको यहाँ पर इनेबल करना है, कलर की पे आना है और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देना है। ग्रीन कलर इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में जो मैं पर्दा यूज किया हूँ ग्रीन कलर का है। यदि आपको कोई अदर कलर है तो अदर कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डन करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमको ग्रीन स्क्रीन दिख रहा था वो आपका रिमूव हो चुका है, लेकिन परफेक्ट रिमूव नहीं हुआ है। सो मास्क पर क्लिक करना है और आपको करना क्या, ये जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, जो आप पर्दा जो है आपको कुछ इस तरह से ब्लैक कर देना है और इसको जो है आपको फेस को वाइट कर देना है कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगभग एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद यदि नहीं होता है तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं रिमूव, ठीक है। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद डन करते हैं। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करने के बाद सही से एडजस्ट कर देना है और आपको सही से साइड में एडजस्ट आपको कर लेना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो वीडियो टिकटॉक पर फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद सेटिंग पर आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो फिलहाल में टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक साउंड लिंक भी दे दूँगा, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।